गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जेएन कॉलेज धुरवा से हूँ। आज हम लोग सेमेस्टर वन के CC2 पेपर को देखेंगे। यह पेपर सोशल रिसर्च से संबंधित है। प्रायः एग्ज़ाम में आने वाले प्रमुख प्रश्नों में से सामाजिक शोध क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक शोध दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला सामाजिक और दूसरा अनुसंधान अथवा शोध। इसमें सामाजिक शब्द का अर्थ समाज से है और नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले व्यवस्थित प्रयत्न को ही अनुसंधान अथवा शोध कहा जाता है। इस अर्थ में सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन के बारे में नवीन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने से संबंधित है। इस प्रकार सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कर कार्य कारण का संबंध स्थापित करना एवं निरंतर मानव विज्ञान के ज्ञान के भंडार को भरने हेतु किया गया क्रमबद्ध अध्ययन ही सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। अनुसंधान का अर्थ नॉलेज तथा समझ की निरंतर खोज है, परंतु वही ज्ञान तथा बौद्ध वैज्ञानिक कहलाते हैं, जिनमें वैज्ञानिक अनुसंधान के दो आवश्यक तत्व निरीक्षण तथा कारणात्मक विद्यमान हो। निरीक्षण के द्वारा हम प्रत्यक्ष रूप से देखकर तथ्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं और कारणात्मक के द्वारा उन तथ्यों का अर्थ उनका पारस्परिक संबंध एवं विद्यमान वैज्ञानिक ज्ञान से उनका संबंध निश्चित किया जाता है। यही दोनों तत्व यदि सामाजिक तथ्यों के संबंध में किए गए शोध में विद्यमान हैं तो उसे ही हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। इसे समय समय पर विभिन्न विद्वानों, समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है कि सामाजिक अनुसंधान क्या है। इसी संबंध में पीवी यंग के अनुसार सामाजिक शोध एक वैज्ञानिक योजना है जिसका उद्देश्य तार्किक तथा क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों का अन्वेषण अथवा पुराने तथ्यों की पुनः परीक्षा एवं उनमें पाए जाने वाले अनुक्रमों, अंतःसंबंधों, कारण सहित व्याख्याओं का तथा उनको संचालित करने वाले स्वाभिभावक नियमों का विश्लेषण करना ही सामाजिक अनुसंधान है। इसी प्रकार मोजर ने भी परिभाषित करने का प्रयास किया है। मोजर के अनुसार व्यवस्थित जानकारी जो सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में की जाती है सामाजिक अनुसंधान कहलाती है। बोगार्ट्स के अनुसार एक साथ रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करना ही सामाजिक अनुसंधान है। इसे CV गुड ने भी परिभाषित करने का प्रयास किया है। उन्होंने इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि आदर्श रूप में अनुसंधान एक समस्या का सावधानीपूर्वक, निष्पक्षतापूर्वक किया गया अध्ययन होता है जो कि तथ्यों की विषमता, उनके स्पष्टीकरण व सामान्यीकरण पर निर्भर करता है। सामाजिक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर सामाजिक अनुसंधान की अग्रलिखित विशेषताएं बताई जा सकती है, जैसे पहला सामाजिक घटना से संबंधित। सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटना से संबंधित है। यह मनुष्य के व्यवहार को समाज के सदस्य के रूप में अध्ययन करता है।
इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसकी दूसरी प्रमुख विशेषता है नवीन और प्राचीन तथ्यों की खोज। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से सामाजिक जीवन से संबंधित तथ्यों की खोज की जाती है। सामाजिक अनुसंधान के दो उद्देश्य होते हैं, पहला नए तथ्यों की खोज करना और दूसरा प्राचीन तथ्यों का सत्यापन करना। सत्यापन की आवश्यकता दो कारणों से जुड़ी होती है, पहला अनुसंधान की प्रणाली में सुधार हो गया हो तथा नवीन विधियों के अनुसार पुराने सिद्धांतों की जांच आवश्यक हो गई हो। द्वितीय घटना की परिस्थितियों में परिवर्तन हो चुका हो और पुराने सिद्धांत की सत्यता नई परिस्थितियों में प्रमाणित करनी हो। चूँकि समाजशास्त्र में एक गतिशील शास्त्र है, अतएव दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुसंधान किए जाते हैं। सामाजिक अनुसंधान की तीसरी प्रमुख विशेषता है सामाजिक घटनाओं को संचालित करने वाले कारकों की खोज। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज में विभिन्न प्रकार की सामाजिक घटनाएं होती हैं। सामाजिक अनुसंधान विभिन्न सामाजिक घटनाओं को संचालित करने वाले तथ्यों की खोज करता है। इसी प्रकार चौथी विशेषता है पारस्परिक संबंधों की खोज। विभिन्न सामाजिक घटनाएं प्रायः स्वतंत्र ना होकर एक दूसरे से संबंधित होती है, उनमें कार्यकरण संबंध होता है। सामाजिक अनुसंधान द्वारा ऐसे संबंधों का पता लगाया जा सकता है, उदाहरण के लिए गरीबी और अपराध, गंदी बस्तियों तथा मृत्यु दर में परस्पर कार्यकारण संबंध हो सकता है। इनको जानकर अनेक सामाजिक व्याधियों से छुटकारा पाया जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान की पांचवी प्रमुख विशेषता है सामाजिक नियमों का पता लगाना। सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कर उनके कारकों का पता लगाकर तथा उनके कार्यकरण संबंधों को ज्ञात कर सामाजिक जीवन के संबंध में सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार सामाजिक अनुसंधान की छठवीं विशेषता है सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण भी किया जाता है। अनेक सामाजिक घटनाएं और उनके कारण समाज में अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देते हैं। इन समस्याओं से समाज विघटन की ओर मुड़ जाता है। समाज को विघटित होने से बचाने के लिए सामाजिक अनुसंधान के द्वारा ऐसी सामाजिक समस्याओं के कारणों कारकों को खोजा जाता है, ताकि कारकों पर नियंत्रण करके उन सामाजिक घटनाओं को होने से रोका जा सके। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों को हम दो भाग में बांट सकते हैं, पहला सैद्धांतिक उद्देश्य थियोरेटिकल ऑब्जेक्टिव तथा दूसरा है उपयोगितावादी उद्देश्य यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्टिव। सैद्धांतिक उद्देश्य को चार उपभागों में विभक्त किया जाता है, पहला सामाजिक जीवन और घटनाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा सामाजिक घटनाओं में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों का ज्ञान प्राप्त करना, तीसरा सामाजिक घटनाओं में अंतर्निहित स्वाभाविक नियमों को ढूंढ निकालना तथा चौथा प्रयोग सिद्ध तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण करना। सैद्धांतिक उद्देश्य को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे पहले बताया गया कि पहला सामाजिक जीवन और घटनाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त करना। सामाजिक अनुसंधानकर्ता सामाजिक जीवन और घटनाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्य करता है। सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियाँ स्थायी नहीं होती, कालानुसार उनमें परिवर्तन होते रहते हैं, अतएव विभिन्न सामाजिक लक्ष्यों के संबंध में जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसमें वास्तविकता नहीं रहती। फलतः हमें नवीन लक्ष्यों के संबंध में अनुसंधान द्वारा ज्ञान प्राप्त करने और पुराने लक्ष्यों का पुनर्निरीक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है।
ताकि हमें प्राप्त ज्ञान की वास्तविकता का पता चल जाए। दूसरी सैद्धांतिक उद्देश्य है सामाजिक घटनाओं में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों का ज्ञान प्राप्त करना। अनुसंधान का सैद्धांतिक उद्देश्य सामाजिक घटनाओं में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों का ज्ञान प्राप्त करना भी है। प्रायः सभी घटनाओं या तथ्यों के कुछ कार्य होते हैं। सभी सामाजिक घटनाओं या तथ्यों में एक प्रकार का प्रकार्यात्मक संबंध होता है। इन्हीं संबंधों के कारण सामाजिक जीवन में निरंतरता बनी रहती है। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य इन संबंधों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है। उदाहरण स्वरूप, बाल अपराध की घटना के संबंध में हमें वास्तविक ज्ञान तब तक नहीं प्राप्त हो सकता जब तक कि हम बाल अपराध व परिवार, बाल अपराध व निर्धनता, बाल अपराध व समुदाय इत्यादि में पाए जाने वाले कार्य कारण के संबंध में संपूर्ण रूप से नहीं जान जाते। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं में अंतर्निहित स्वाभाविक नियमों का पता लगाना भी है। सामाजिक घटनाएं भी बहुत हद तक प्राकृतिक घटनाओं की तरह होती है। प्राकृतिक नियमों की ही भांति सामाजिक घटनाओं का संचालन कुछ स्वाभाविक नियमों द्वारा होता है। सामाजिक अनुसंधान द्वारा इन नियमों की व्यवस्थित पद्धतियों का पता लगाया जाता है। चौथा, सामाजिक अनुसंधान और प्रयोग द्वारा सिद्ध किए गए तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक अवधारणाओं का निर्माण होता है। यह सामाजिक विज्ञान की प्रगति में सहायक होती है। सामाजिक अनुसंधान के उपयोगितावादी या व्यावहारिक उद्देश्य इस प्रकार हैं: प्राप्त ज्ञान के आधार पर समस्याओं का समाधान करना अथवा सामाजिक जीवन को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए योजनाओं में सहायता प्रदान करना भी सामाजिक अनुसंधान का कार्य है। सामाजिक अनुसंधान को भी हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला, सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है। प्राप्त ज्ञान की सहायता से सामाजिक समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। नेता, समाज सुधारक, शासक या प्रशासक इसी ज्ञान की सहायता से समाज की जटिल समस्याओं का समाधान करते हैं। दूसरा, सामाजिक संघर्षों को दूर करने में सहायता प्रदान करना। संप्रदायवाद, भाषावाद, जातिवाद आदि से संबंधित समस्याओं को हम सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर दूर कर सकते हैं। तीसरा है, सामाजिक योजनाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करना। इससे सामाजिक योजनाओं के निर्माण में सहायता मिलती है। वस्तुतः सामाजिक योजनाओं के उपयोगिता सामाजिक अनुसंधान द्वारा उपलब्ध वैज्ञानिक एवं ज्ञान पर ही आधारित रहती है। इसलिए सभी प्रगतिशील देशों में योजनाओं की सफलता की दृष्टि से सामाजिक अनुसंधान के महत्व को स्वीकार किया जाता है। अंतिम है चौथा, सामाजिक अनुसंधान से सामाजिक नियंत्रण में भी सहायता मिलती है। मजदूरी की प्रक्रियाओं, विचारों, मनोवृत्तियों, आवश्यकता आदि को का अनुसंधान से जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ही अधिक वह उन पर नियंत्रण रख सकता है। अतः इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य उपयोगितावादी अथवा व्यवहारवादी भी है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सामाजिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति और गौण उद्देश्य सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण है। थैंक यू।